चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हाँ। जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि भारतीय हाकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक दे सैमीफाइनल विच पहुँच के एक इतिहास रचिया है अते उन्होंने इंग्लैंड नूं 3-1 नाल क्वार्टर फाइनल विच मात दित्ती। इंग्लैंड दे विरुद्ध 57वें मिनट विच गोल दागण वाले हार्दिक सिंह जिन्हां दे पिता जी सरदार वरिंदरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस विच हन अते इस वेले ओह बटाला दे SP हन उन्हां नाल अविशेष गलबात की गई। उन्होंने अपने बेटे ते माण महसूस करदे होए कहा कि उन्हां दे बेटे ने उन्हां दे पिता जी का वह सुपना साकार किया है क्योंकि उन्होंने पिता जी एक गल सोचते सन कि उन्होंने परिवार विचों कोई ना कोई ओलंपिक खिडारी पैदा होवे जो उन्होंने बेटे हार्दिक सिंह ने कर विखाया है। उन्होंने इस मौके लड्डू वंडे अते नाल ही अरदास की कि भारतीय हाकी टीम इस बार गोल्ड मैडल जरूर जितेगी। आओ तुहानू विखाउने आ कुछ ओ दृश्य अते सुनाउने आ उन्हां की कुछ कहा। वेखते रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़, पत्रकार नरेंद्र कौर परिवाल ते रिंकू राजा की खास रिपोर्ट। प्राउड फील होता है कि मेरा भाई अभी इंडिया की टीम से खेल रहा है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है, कि जैसे कि लास्ट मैच में गोल मारा उन्होंने, बहुत ही अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं मोहाली में हूँ, मैं भी हॉस्टल में हूँ, मैं वहाँ पर स्टडी भी करता हूँ और ट्रेनिंग भी मेरी वहाँ पर ही चल रही है। तो अभी कोविड करके घर यहाँ पर भी ट्रेनिंग चल रही है। सपना क्या है? मेरा भी यही सपना है कि मैं आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और ओलंपिक में जाऊँ। दोनों भाई खेलेंगे क्या? हाँ जी, खेलेंगे, यही अगर भगवान ने अच्छा चाहो तो हाँ खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। अच्छा, कि सारे काम रूटीन नाल ही हुंदे रहे, जिदा जिदा उन्हें डाइट दसते सी उदा ही उन्हें डाइट मिलती सी। ते मेरे नाल तुहानू मैं अगे दस मतलब इदा है कि बच्चा जदों तक आप नहीं मेहनत करता तुसी उन्हें उठाई जन्ने सुते नूं ते उठेगा नहीं। माँ एक दो वारी कह के कि ठीक आ, पर उहदा इह सी कि अलार्म बजन तो पहला वो पहला ही उठ के बैठा हुंदा सी ते उहदा अलार्म मैं बंद कर दी सी कि हार्दिक उठ के वाशरूम चला गया। तो उन्हें बस अपना एंड जो थोड़ा वड्डा होया फिर तो उन्हें लोड़ ही नहीं पई किसी नूं कहण दी, उन्हें अपने काम आप ही बहुत केयरिंग बच्चा रहा आ, किसी नूं तंग नहीं किया। तो रब ने साडी सुनी, अरदासां होईआं, सारी फैमिली ने अरदासां कीतीआं जिथे जिथे भी कोई सी। तो जिहड़ी अरदास हुंदी आ उह ते फिर परमात्मा सुणदा आ, उह साडी अरदास सुनी गई क्योंकि उम्मीदां हुण बहुत ज़्यादा सारिआं दीआं उहनां उत्ते हो गईआं। तो जिस हिसाब नाल टीम चल रही आ, जिन्हें यंग प्लेयर अपने सारे गए हुए पंजाबी सारे ही मतलब कि पंजाबी भी दूसरे भी सारे ही वधिया टीम खेल रही आ, तो सारियां दियां परमात्मा मैं तो यही मंगदी हाँ परमात्मा अगे कि हुण गोल्ड मैडल आना ही चाहिए साढ़े लिए। बड़े माण की गल वा भी घट्टो घट भी कोई लगभग 42-46 ईयर्स के बाद जी इंडिया एक सैमीफाइनल मैच खेल रही आ और ये सारी टीम का मोरल बड़ा हाई आ और बड़ी फख्र और खुशी वाली गल आ भी जड़ा उस टाइम तो इंडिया टीम के गोल निकलना बड़ा जरूरी सीगा क्योंकि जी ग्रेट ब्रिटेन की टीम आ उत्थे काफ़ी हैवी हुई सी और वो खुशी साड़ी दुगनी हो गई जब मेरे बेटे ने हार्दिक ने खुद घट्टो घट भी 50 मीटर जी बॉल ट्रैवल करा के तो वो गोल में कन्वर्ट किया। तो बड़ी उदों खुशी और सानू ये लग रहा सी उस वेले क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया सीगा बई लीड जी कन्फर्म हो गई आ ते हुण हिंदुस्तान जिहड़ा वह सैमीफाइनल दे विच पहुँच चुका। इंडिया क्राइम न्यूज, जुर्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।